जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ बाय हार्ट। आई एम योर होस्ट एंड योर दोस्त प्रियंका। तो आज मैं हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ आपके लिए एक ऐसी स्पेशल डिश जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद है, बच्चों के मम्मी पापा को भी बहुत पसंद है और उनके मम्मी पापा को भी बहुत पसंद है। बनाना खाना सबको पसंद होता है, लेकिन जो रॉ बनानास होते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बिलीव मी। तो उन्हीं ऑप्शंस में से आज एक ऑप्शन पिक करके मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रॉ बनाना चिप्स की रेसिपी। रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, फटाफट से बन जानी चाहिए, लेकिन आपके पास सबसे पहले होने चाहिए ये बनानास जो कि है कच्चे। तो ये ग्रीन कलर के बनानास है, बिल्कुल कच्चे है, आपको देखने से ही पता चल रहा है। तो इन कच्चे केलों का आज मैं बनाने वाली हूँ चिप्स, जो कि बन जाते हैं फटाफट से, बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत क्रंची होते हैं एंड हेल्दी भी होते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए मेरे साथ रेसिपी में, क्योंकि मैं पहले से किचन में हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल। अगर आप कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है रॉ बनाना और इसके दोनों ही साइड्स को हमने कर लेना है चाकू से कट और बीच में देना है एक इसको हल्का स्लिट, जिससे कि ये आसानी से पील ऑफ हो जाएगा। अंदर से देख सकते हैं पूरी तरीके से वाइट है, यानी कि बिल्कुल कच्चा है। और क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था इसलिए मुझे थोड़ा सा शूट करने में और इसको पील करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट ऑफ कैमरा मैंने बहुत अच्छे से इसको पील किया एंड कुछ बनाना मुझसे टूट गए पील करते टाइम, बट नो मैटर। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में रिफाइन ऑयल गरम किया है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे आप सरसों ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों चिप्स को सॉल्टी बनाने के लिए एक ट्रिक है कि थोड़े से पानी में आप एक चम्मच नमक को घोल लीजिए और उसके बाद इसका क्या करना है वो थोड़ी देर वीडियो को देखकर ही पता चलेगा। उसके बाद ये मैंने कहीं पर एक ट्रिक देखा था, वायरल ट्रिक था ये, कि सीधे गरम तेल में ही आपको कद्दूकस की मदद से इस तरीके से चिप्स बनाने हैं। और हाँ, मैंने एक दुकान पर भी देखा है तो वो भी ऐसे ही बनाते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ट्रिक मेरे लिए तो फेल है। अगर आपके लिए अच्छी हो तो आप इसको यूज़ करिए, वरना आप करिए एक काम, मेरी तरह उठाइए चाकू और केले को पतला पतला काट लीजिए, इस मोटाई का चलेगा। दिखा दूँ, ये देखिए सारे चिप्स मैंने काट के रेडी कर लिए हैं, तेल बिल्कुल गरम है। गरम गरम तेल में चिप्स को डालिए, एक बार में जितने आते हैं उतने डालिए, ओवर क्राउडेड बिल्कुल मत कीजिएगा। और अच्छे से गरम गरम तेल में जब आप चिप्स को डालेंगे तो बहुत अच्छी सी स्प्रिंकल करने की आवाज़ आएगी। एंड द ट्रिक इज़ दैट कि इस पानी को, एक चम्मच पानी को आप इस पर डालो। ऑब्वियसली बात है, जब गरम तेल में आप पानी डालोगे तो बहुत ज़्यादा छींटे उछलेंगे, तो थोड़ा सा पीछे हो जाना। और ये जो ट्रिक है ना, ये मैंने शेफ़ संजीव कपूर जी से सीखी थी, मैंने उनका एक वीडियो देखा था। ये क्या करती है कि चिप्स को इन बिल्ड सॉल्टी कर देती है, मतलब हमें ऊपर से नमक छिड़कने की ज़रूरत नहीं होती। एंड कुछ ही देर में आप देखोगे कि आपके चिप्स ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से क्रिस्पी लग रहे होंगे, हैं कि नहीं वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये चिप्स जो होते हैं ये देखो कितने हेल्दी और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं इस टाइम, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने पेश है रॉ बनाना चिप्स जो कि बनाए हैं हमने घर पे बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो लीजिए कच्चे केले और फटाफट से शुरू हो जाइए ये हेल्दी और क्रिस्पी चिप्स बनाने के लिए। बनाना सॉल्टी चिप्स आर रियली वंडरफुल एंड यू कैन एड ऑन सम मसालाज ओवर एंड आपके ब्यूटीफुल से कलरफुल से स्पाइसी चिप्स भी बनके रेडी हो जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल शेफ बाय हार्ट।